हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा, और आज मैं दोस्तों आपको सिखाने जा रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो ये फॉन्ट है, फॉन्ट के जितने भी ये सारे ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और आप उन वीडियोज को देखकर कुछ और नई चीजें एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेल के अंदर सीख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपना टॉपिक कि फॉन्ट्स के जो ऑप्शंस हैं ये क्या है और ये किस तरीके से यूज होते हैं। ये बिगनर स्टूडेंट के लिए है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मैं यहाँ कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा माई नेम इज राजन शर्मा, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ लिखा माई नेम इज राजन शर्मा, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। इसको मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, इसे हम फॉन्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा ये सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस के जो टैग्स हैं, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, इस फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए हम इसका फॉन्ट का यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं जो इसका शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है दोस्तों। हम ये ड्रॉप डाउन का जो ये बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करके, और यहाँ से आप देखेंगे जो इसका राइटिंग स्टाइल है, आप इस तरीके से नीचे आते रहेंगे तो आप देखेंगे तो ये जो राइटिंग स्टाइल है हमारे वर्ड का वो चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक। आप इसको नीचे करके देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके के जो है पर अलग अलग तरीके के राइटिंग स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आपका चाहिए होगा आप यहाँ से चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अपने लिए मैंने एक यहाँ चूज कर लिया मेरा, ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बुकमैन ओल्ड चूज कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हैं जो मेरा राइटिंग स्टाइल है, जो स्टाइल है वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको समझ में आ गया राइटिंग स्टाइल्स के लिए होता है। दूसरा फ्रेंड्स हमारा ये जो है, इसे हम कहते हैं फॉन्ट साइज। इसका जो शॉर्टकट होता है आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इससे दोस्तों हमारा जो ये स्टाइल, जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट का जो स्टाइल है या साइज, जो सॉरी साइज जो है वो साइज छोटा बड़ा इस तरीके से हम इससे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये नंबरिंग के लिए इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा ये बोल्ड, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये होता है हमारा इंक्रीज ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हमने सेंटेंस लिखा है, इसका जो साइज है वो इस तरीके से इसे यहाँ से इस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं। सेम वही चीज फ्रेंड जो हम यहाँ से इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लास्ट 72 तक कर सकते हैं, उसके बाद इसमें ऑप्शन नहीं है। 72 से नीचे अगर और ज्यादा आपको करना है तो आपको यहाँ पर इसे काट कर यहाँ पर अपने आप जैसे नंबर लिखना है, जैसे 200 लिखा एंटर किया तो देखिए इसका साइज जो है 200 हो गया और ये नीचे तक चला गया इस तरीके से, ठीक है। ओके, इसे हम 72 कर देते हैं दोबारा, और यहाँ से आप इसका साइज धीरे धीरे इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और ये जो होता है हमारा, इसे हम श्रिंक फॉन्ट कहते हैं। श्रिंक फॉन्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हम इसे इस तरीके से यहाँ से ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट है वो आपने देखा इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप बड़ा छोटा यहाँ से इसका जो साइज है वो कर सकते हैं, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये है हमारा बी। बी का मतलब होता है बोल्ड फ्रेंड्स, और जो इसका शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल बी। अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ मैं, तो देखिए जो हमने सेंटेंस लिखा है इसका जो साइज है वो मोटा हो गया। अगेन मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो अनबोल्ड हो जाएगा, और जो साइज है वो नॉर्मल हो गया जैसे कि हमारा पहले था। उसी तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे भी करके इसे हम देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वर्ड ये जो है इसे हम कहते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वर्ड है वो हल्का सा इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, और जो इसका फॉन्ट का स्टाइल है वो भी थोड़ा सा जो है चेंजेस हो जाते हैं, कुछ जो अल्फाबेट है हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसका जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये है हमारा अंडरलाइन। जैसे कि हमने जो लाइन जो सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस के नीचे अगर हमें अंडरलाइन करनी होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी सेंटेंस लिखे हैं उन सबके नीचे ये अंडरलाइन एक हो चुकी है हमारी। इस तरीके से हम थोड़ा सा साइज इसका और छोटा कर लेते हैं, एक लाइन में आपको दिखाई दे, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। और जैसे कि आप देख रहे हैं एक लाइन हो गई, अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे डबल लाइन हो अंडरलाइन, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेगा और यहाँ से देखिए अंडरलाइन जो है आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जिस किसी भी प्रकार का आपको अंडरलाइन चाहिए होगा वो आप यहाँ से इस तरीके से चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसके अंडरलाइन जो है इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप इसका कलर भी देखिए इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, उसके बाद ये जो फ्रेंड इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि जैसे हमने अंडरलाइन है, अंडरलाइन क्या करता है, जो सेंटेंस लिखा है उसके नीचे लाइन करता है। स्ट्राइक थ्रो होता है फ्रेंड जो हमने वर्ड जो ये सेंटेंस लिखे सेंटेंस के बीच में एक लाइन कर देगा। आप इसे एज अ डिजाइन की तरह यूज कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स टू और एक्स स्क्वायर के बारे में हम बाद में बात करेंगे।
उसके बाद हम आते हैं इस पर, इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स चेंज केस। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस के अंदर हमारे पांच ऑप्शंस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर, अपर केस, कैपिटलाइज इस वर्ड एंड टगल केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो हमने जो भी सेंटेंस लिखा है उसका जो फर्स्ट कैप पहला लेटर है वो कैपिटल रहेगा, इसके बाद के जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल होंगे। देखिए मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लोअर केस का मतलब होता है सारे जो हमारे सेंटेंस जो वर्ड हैं वो सारे के सारे किस में हो जाएंगे, छोटे में हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा है अपर केस, सॉरी लोअर केस था हमने, अब हमें क्या देखना है अपर केस। अपर केस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपके जितने भी ये वर्ड लिखे हुए टेक्स्ट जो भी आपने सेंटेंस लिखा है या वर्ड लिखा है इसका जो साइज है वो क्या करेगा, कैपिटल लेटर के अंदर कर देगा। जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए जितने मेरे जो वर्ड हैं सेंटेंस है उसके हर लेटर जो है वो कैपिटल राइटिंग के हो गया फ्रेंड्स। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसका जो साइज है वो कैपिटलाइज इस वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा सेंटेंस है हर सेंटेंस का एक वर्ड है उस वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल रहेगा, बाकी वर्ड स्मॉल रहेंगे। जैसे यहाँ माई नेम इज लिखा है तो आप यहाँ पर माई का एम देखेंगे कैपिटल रहेगा, नेम का एन कैपिटल रहेगा, इज का आई कैपिटल रहेगा, राजन का आर कैपिटल रहेगा, और इसी तरह से जो शर्मा लिखा है इसका भी जो एस कैपिटल रहेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख रहे हैं हर वर्ड का जो सबसे पहला वाला लेटर है वो लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी के उसके बाद के जो लेटर है वो क्या है स्मॉल राइटिंग में लिखे हुए फ्रेंड्स। ये हमारा होता है कैपिटलाइज। ओके नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट केस है हमारा टगल केस। टगल केस का मतलब होता है आप देख रहे हैं सैंपल भी दिखा रहा है कि जो सेंटेंस है इसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल रहेगा और उसके बाद के जो भी हमारे वर्ड हैं वो सारे हमारे कैपिटल लेटर में आएंगे। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि जो पहला लेटर है वो हमारा क्या रहेगा स्मॉल है सब, और पहले के बाद जो भी हमारे वर्ड लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे किसमें कैपिटल राइटिंग में हो गए हैं फ्रेंड। ठीक है हम दोबारा से सेंटेंस केस पे क्लिक कर देते हैं। सेंटेंस केस मैंने आपको बताया था पहला लेटर कैपिटल रहेगा बाकी सब स्मॉल रहेंगे, ठीक है। ओके उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हम इस पर, ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, जहां तक आपका टेक्स्ट लिखा है उसको ये हाईलाइट कर देगा। अब हाईलाइट कलर आप चूज कर सकते हैं किस कलर से आपको ये हाईलाइट करना है, आप इसमें से जो भी हाईलाइटर कलर आपको चूज करना है आप अपने फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने इसे येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है हाईलाइट कर लिया। और उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है फ्रेंड्स, फॉन्ट कलर होता है हमारा कि जो हमारा ये फॉन्ट है ये ब्लैक कलर से लिखा है तो अगर हमें इसका कलर चेंज करना है फॉन्ट का तो हम यहाँ से इस तरीके से इसका जो कलर है देखिए यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये हमारा कलर चेंज करने के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से, यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अपने इस पे, इसे हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग किया इसको हाईलाइट किया है, इसका टेक्स्ट राइटिंग जो है वो चेंज किया है, इटैलिक कर रखा है इसे, ठीक है साइज इसका बड़ा कर रखा है, तो जब हम इसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो इसका हाईलाइट कलर है उसको छोड़ के जो भी हमने फॉर्मेटिंग करा था वो सबको क्या करेगा एक नॉर्मल फॉन्ट में कर देगा। मतलब जैसा हम स्टार्टिंग में लिखते हैं जिस राइटिंग स्टाइल में छोटे में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो इसका फॉन्ट स्टाइल साइज जो है वो 48 है इसे 11 कर देगा नॉर्मल साइज पर। क्लिक करके देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया देखिए इसको इसने 11 कर दिया, अन इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन जो है नीचे से वो हटा दिया। सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया था जो हाईलाइट कलर है सिर्फ वो कलर रहेगा, अदरवाइज और जितनी भी फॉर्मेटिंग वो सारी की सारी हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगी दोस्तों। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं एक्स टू और एक्स स्क्वायर की तरफ। देखिए फ्रेंड जैसे मैंने इसको यहाँ से काट दिया और सपोज दैट मान लीजिए आपको टेंथ लिखना तो आपने यहाँ टेंथ लिखा और टेंथ लिखने के बाद हमें जो टी और एच होता है वो हमें इसके ऊपर लिखना है। अगर हम इसके साथ लिखेंगे तो देखिए हमारा टेंथ जो टी एच है वो इस तरीके से लिखेगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक्स स्क्वायर जो है इसके ऊपर क्लिक करके और हम यहाँ टी एच लिखेंगे तो देखिए इसके ऊपर जो है इस तरीके से लिखा हुआ आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपकी आपको 2 का स्क्वायर लिखना था आपने 2 लिखा और अगर दोबारा आप 2 लिखते हो तो ये 22 हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे इस पे एक्स टू जो एक्स स्क्वायर जो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से लिखा बना हुआ आ गया फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 10 का 2 लिखना है तो आपको 10 पे क्लिक करेंगे और ये एक्स टू पे है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए 10-2 इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो मैथमेटिक्स के लिए और जब हम फॉन्ट या दूसरी चीजें यूज करते हैं तो उस समय हम इसका यूज करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे फंक्शन आपको फॉन्ट के अंदर के समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है या कोई फंक्शन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो के नीचे
कमेंट सेक्शन में जाकर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं जब भी आपके कमेंट्स को देखूंगा, आपके डाउट्स को देखूंगा, उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी दूसरी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियोस को देखकर कुछ और नई चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सीख सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ।